हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। सो लास्ट टर्म पे हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना चैप्टर नंबर 8, दैट इज फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन के बारे में मैंने आपको बताया था, वहां पे हमेशा आइस ही आइस होती है। कहाँ कहाँ लाई करता है ये? आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में ये वाला पार्ट, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में ये वाला पार्ट। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री या कॉन्टिनेंट कवर होते हैं? इसमें ग्रीनलैंड, अपर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अपर एशिया मतलब यहाँ पे रशिया वाला पार्ट, और यहाँ पे पूरा एंटार्क्टिका और न्यूजीलैंड का टिप ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका तो बिल्कुल ही फ्रोजन कॉन्टिनेंट कहलाता है। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था, ये सब मैंने आपको बताई दिया कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट कहाँ कौन कौन से, न्यूजीलैंड अर्जेंटीना के भी है, चाइल के भी है, ये भी लाई करते हैं ये और ये, ठीक है। फिर उसके बारे में हमने पढ़ा था क्लाइमेट, क्लाइमेट कितना जाता है इनके बीच का क्लाइमेट रहता है -40 डिग्री से लेके -12 डिग्री समर में। तो ये तो हमारे नॉर्थ फ्रिजिड जोन में रहता है, और साउथ में तो और ही ज्यादा, कितना, -13.6 डिग्री से -18.2 डिग्री तक, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फिनोमिना ऑफ मिडनाइट, मतलब 6 महीने तक दिन होती है और 6 महीने तक रात होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट हमारा आता है प्लांट्स, तो अब वहां पे प्लांट्स कैसे पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द फ्रिजिड जोन हैज सच लो टेम्परेचर दैट द ग्राउंड फ्रीजेस एंड प्रिवेंट द रूट ग्रोथ, दस बिग ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो। दिस जोन इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, देयरफॉर हार्डली एनी प्लांट लाइफ इज फाउंड। तो ये पूरा साल फ्रोजन रहता है और इसमें हार्डली कोई प्लांट ग्रो कर पाता है। ड्यूरिंग द माइल्ड समर वेन द स्नो मेल्ट इन स्मॉल स्ट्रेचेस, सम श्रब्स, मॉसेस, लाइचेंस, रफ ग्रासेस एंड अदर स्मॉल वाइल्ड प्लांट्स ग्रो। सम फ्लावर बियरिंग एंड फ्रूट बियरिंग श्रब्स आर ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज एंड वाइल्ड करेंट। तो ये सब स्मॉल स्मॉल प्लांट और श्रब्स ग्रो होते हैं, एनिमल्स। ऑल थ्रू द फ्रिजिड जोन हैज अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, इट इज होम टू मेनी इंटरेस्टिंग मैमल्स। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है इनका क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है फ्रिजिड जोन का, बट ये होम है मेनी इंटरेस्टिंग मैमल्स का एंड सी बर्ड्स विच आर अडेप्टेड टू सर्व कोल्ड ऑफ दिस रीजन। मोर मैमल्स लिव इन द आर्टिक देन इन एंटार्क्टिक बिकॉज देयर इज मोर फूड अवेलेबल फॉर देम। दे आर ऑल्सो एबल टू माइग्रेट टू द नियर बाय लैंड वेयर द समर्स आर वार्मर। देयर आर फ्यूअर लैंड एनिमल्स इन साउथ फ्रिजिड जोन, देयर आर मोर सीबर्ड्स एंड मेरीन मैमल्स इन दिस रीजन। सो स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि जो फ्रिजिड जोन होते हैं साउथ पोल पे ज्यादा फ्रिजिड जोन होता है नॉर्थ पोल से, तो ज्यादातर जो इंटरेस्टिंग मैमल और सी बर्ड्स है वो आर्टिक सर्कल में प्रेफर करते हैं रहना उस एंटार्क्टिक सर्कल से। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे फूड अवेलेबल बहुत आसानी से हो जाता है और वो आसानी से माइग्रेट कर पाते हैं नियर बाय लैंड पे जहाँ पे गर्मियां थोड़ी होती हैं, जैसे ऊपर से इस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इस साइड की तरफ आसानी से वो मूव कर पाए, पर यहाँ से मूव करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए उनको जो फूड अवेलेबल है आसानी से आर्टिक मतलब नॉर्थ जोन में मिल जाता है बजाय एंटार्क्टिक के। देयर आर फ्यूअर लैंड एनिमल्स इन साउथ फ्रिजिड जोन, तो उनका बहुत ही कम लैंड एरिया है साउथ फ्रिजिड जोन में रहने के लिए। तो इन देयर आर मोर सीबर्ड्स, सीबर्ड्स और मैरीन मैमल्स ज्यादा रहते हैं साउथ फ्रिजिड जोन में। ऑल दीज एनिमल्स सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड बिकॉज दे हैव अ थिक व्हाइट कोट फॉर विच ब्लेंड्स विद द स्नो एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम कोल्ड होती है इन इस एरिया में, तो उस एरिया उन एरिया की जैसे ही इन लोगों की स्किन होती है, बहुत ही थिक व्हाइट कोट फर होता है जिससे वो अपने प्रिडेटर से भी बच पाए, मतलब जो उनको जानवर मारने वाले होते हैं, और वो अपने आप को आइस से भी बचा के रख पाए। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन विच कीप्स देम वार्म, उनकी एक फैट लेयर भी होती है स्किन के नीचे जिसकी वजह से वो अपने आप को वार्म रख पाते हैं।
ड्यूरिंग समर्स व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन सर्टेन स्ट्रेचेस. अब समर में जब स्नो मेल्ट होती है, ब्राउन बेयर रॉक्स कैन बी सीन. तब हम ब्राउन बेयर रॉक्स देख पाते हैं. किसकी वजह से? जब स्नो मेल्ट हो जाती है उनकी वजह से. एट दिस टाइम द एनिमल्स अंडरगो अ चेंज इन द कलर ऑफ देयर फर फ्रॉम व्हाइट टू ब्राउन. दिस हेल्प इन कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज मतलब जो व्हाइट कलर की इनकी स्किन होती है, वो ये जब सराउंडिंग का कलर चेंज होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो गिरगिट की तरह. ठीक है, तो जैसे ही वो गिरगिट क्या करता है, जैसे अपने आप को पेड़ पे चढ़ता है, अगर ट्रंक ब्राउन है तो अपने आप को ब्राउन कर लेता है, जब वो लीफ पे पहुंचता है तो ग्रीन होती है तो अपने आप को ग्रीन कर लेता है. वैसे ही इन एनिमल्स के साथ होता है, जब आइस मेल्ट होने लगती है और पहाड़ देखने लगते हैं ब्राउन कलर के, तो इनकी स्किन भी व्हाइट से ब्राउन की तरफ चेंज होने लगता है कलर. सम एनिमल्स फाउंड इन फ्रिजिड जोन आर मस्क ऑक्स, रेनडियर, कैरीबाउ, पोलर बियर, आर्टिक फॉक्स, सील, वॉलरस, वेल, सी ऑटर, लेमिंग्स एंड स्क्विरल. बर्ड स्पीशीज इंक्लूड पेंगुइन, आर्टिक टर्न्स, एल्बाट्रॉस, बाल्ड ईगल, पेरीग्रेन फैल्कन एंड आर्टिक और स्नोई आउल. तो ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं. आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स बता दिए अब इसमें. लाइफ ऑफ पीपल, पीपल्स की लाइफ कैसी है हम जानेंगे. सिंस द क्लाइमेट ऑफ द फ्रेजर जोन इज एक्सट्रीम, तो इनका क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है. लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे रहना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द पीपल हु लिव हियर. देयर आर नो परमानेंट रेसिडेंट्स इन द साउथ फ्रेजर जोन. कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं होता साउथ फ्रेजर जोन में, दैट इज एंटार्क्टिका. हेयर सम स्कैटर्ड साइंटिफिक स्टेशंस आर सेट अप बाय एक्सप्लोरर एंड रिसर्चर्स. तो एक्सप्लोरर और रिसर्चर्स की तरफ से साइंटिफिक स्टेशन यहाँ पे सेटअप किए गए हैं. द नॉर्थ फ्रेजर जोन दैट इज द आर्टिक इज इनहेबिटेटेड बाय द सम नेटिव ट्राइब्स हु हैव अडेप्टेड देयर लाइफ टू द हार्श क्लाइमेट कंडीशन. तो यहाँ पे नेटिव ट्राइब्स रहती हैं जिन्होंने इस क्लाइमेट कंडीशन को अडेप्ट कर रखा है. सम ट्राइब्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ फ्रेजर जोन आर एल्यूट, यूपिक्स एंड इन्यूट इन अलास्का. ये अलास्का में तीन तरीके की ट्राइब हैं, इन्यूट इन कैनेडा एंड ग्रीनलैंड. तो ये वाली ट्राइब अलास्का में भी रहती है और कैनेडा और ग्रीनलैंड में भी रहती है. लैप्स इन नॉर्थ स्कैंडिनेविया, याकुट, चुकची एंड सेम्योद इन साइबेरिया, सामी इन पोलर एरियाज ऑफ फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड नॉर्थ वेस्ट रशिया. द अर्लियर इनहेबिटेंट्स ऑफ द आर्टिक्स वर कॉल्ड एस्किमोस, दे लिव्ड इन हाउसेस कॉल्ड इग्लूस. दीज वर डोम शेप्ड हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. तो जो अर्लियर इनहेबिटेंट्स थे वो उनको एस्किमोस कहते थे, और हाउस में जो रहते थे उनको इग्लूस कहते थे. ठीक है, तो ये डोम शेप की तरह होते थे, आइस से बने हुए. दे यूज टू हंट वेल्स, सील्स एंड वॉलरस. तो वेल्स, सील्स और वॉलरस को ये लोग हंट करते थे. देयर हंटिंग वेपर वर हारपून्स. हारपून्स क्या होते हैं? वेपन्स लाइक स्पीयर टाइड विथ लेदर रोप दैट कैन बी थ्रोन एट टारगेट फॉर कैचिंग लार्ज फिश वेल्स. तो हारपून्स वो होते हैं, एक लंबा सा बांस होता है, उसमें लेदर की रोप से उसमें एक टूल को टाई करा जाता है जिसको हम फेंक के अपने शिकार को पकड़ पाए या मार पाए, उसके लिए वो यूज करते थे हारपून. बोस एंड एरोज मेड ऑफ वुड एंड वेल बोन. तो मैंने आपको बताया वुड से या वेल बोन से बना लिया, उसके आगे शार्प टूल लगाया और लेदर से उसे टूल्स को उस लकड़ी पे लगा दिया. दे यूज स्मॉल हंटिंग बोट्स विच वर नोन एज कायाक्स. तो ये स्मॉल हंटिंग बोट्स लेते थे जिनको कायाक्स बोला जाता था. मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द लाइफ ऑफ पीपल सिंस द टाइम्स ऑफ द एस्किमोस. तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं एस्किमोस के टाइम्स में, पीपल की लाइफ में. नाउ द आर्टिक पीपल आर ऑफिशियली नोन एज इन्यूट विच मीन्स द पीपल, और सिंगुलरली इन्यू विच मीन्स द पर्सन. तो इन्हें इन्यूट बोला जाता है अब. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर हंटिंग, रेंडरिंग हर्डिंग
ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स, दे ऑल्सो कैच फिश लाइक द सेलमोन एंड द आर्टिक चार. द इन्यूट हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग राइफल्स टू हंट एनिमल्स इंस्टेड ऑफ हारपून्स. अब वो लोग राइफल्स से हंट करते हैं, मतलब बंदूकों से. दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट वुडन हाउसेज. अब ये लोग वुडन हाउसेज में रहने लगे हैं. दे यूज वुडन स्लेजेस कॉल्ड क्वामुटिक्स पुल्ड बाय आर्टिक डॉग्स फॉर मूविंग अबाउट ऑन द आइस. ये लोग क्या करते हैं, डॉग की मदद से इन्होंने एक बोट सी बना रखी है जिनकी हेल्प से वो आगे डॉग्स को लगाते हैं और स्नो में या आइस में मूव करने में जैसे इनकी हेल्प इनको हेल्प मिलती है. थ्रेट्स टू द फ्रिजिड जोन. इसमें अब थ्रेट्स क्या है. आर्टिक पीपल टुडे फेस मैनी चेंजेस इन देयर होम्स एंड एनवायरमेंट. क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग सी आइस एंड द परमा फ्रॉस्ट टू मेल्ट. द राइजिंग लेवल ऑफ द ओशियंस वाटर इज थ्रेटनिंग द कोस्टल विलेज. तो जो राइजिंग लेवल है ओशियन वाटर का वो थ्रेट कर रहा है कोस्टल विलेज में रहने वाले लोगों को. ठीक है. द मेल्टिंग ऑफ द सी आइस ऑल्सो मीन्स दैट द आर्टिक ओशियन कुड ओपन अप फॉर अ कमर्शियल शिपिंग और टूरिस्ट क्रूजेस. अब क्या होगा कि देखो, पहले या तो क्लाइमेट चेंज इनके में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो वाटर लेवल बढ़ता है और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से जो आसपास के विलेजेस हैं उधर बाढ़ आने के चांसेस स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं. ठीक है. अब जैसे जैसे ये मेल्ट होगा आर्टिक ओशियन, तो यहाँ रह तो बड़ी मुश्किल से ही रहे थे पीपल. अब जैसे जैसे मेल्ट होगा तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी कि मेल्ट हो गया टेम्परेचर कम हो जाएगा तो नॉर्मल लोग भी यहाँ आ पाएंगे, वो कमर्शियल लोग आने लगेंगे. ठीक है. तो इस प्लेस को लोग कमर्शियल यूज करने लगेंगे तो इन पीपल के लिए और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी. यू नाउ नो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रिजिड जोन द मोस्ट एक्सट्रीम जोन ऑफ द अर्थ अराउंड द पोल. ठीक है. तो ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड रीजन होता है इन फ्रिजिड जोन में. आपको पता ही है माइनस में टेम्परेचर रहता है. यहाँ पे लाइफ बहुत सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल रहती है. एनिमल्स की स्किन बहुत मोटी फर वाली होती है. ठीक है. जैसे आइस या स्नो मेल्ट होने लगती है तो इनका कलर भी चेंज होने लगता है इनकी फर का, कुछ कुछ एनिमल्स का. ठीक है. तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ. अब आपको इसकी पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा. सो थैंक यू ऑल.